हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएम चिल्ड्रन एकेडमी। टुडे आई हैव कम टू यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास नाइन्थ इंग्लिश। बुक इज मोमेंट एंड चैप्टर इज सिक्स एंड द टॉपिक इज वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा। ये जो हमारी आज का चैप्टर है, ये हमारा वेदरिंग द स्टॉर्म है। जो अर्समा में एक स्टॉर्म आया था, यानी आप कह सकते हैं कि एक साइक्लोन जो 1999 में उड़ीसा में आया था, अक्टूबर 1919 में, और जिस सुपर साइक्लोन की वजह से वहाँ हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो घर से बेघर हो गए थे और मर गए थे। तो उसी का एक इंसिडेंट है जिसको आज इसमें हमने चैप्टर में आज एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक जो यंग बॉय है या यंग मैन है प्रशांत, कैसे उस तूफान से वो दो नाइट्स कैसे वो वहाँ गुजारता है और कैसे वो थर्ड डे डिसाइड करता है कि वो अपने घर जाएगा और अपनी फैमिली से मिलेगा। यानी उस तूफान में फंसे एक इंसान प्रशांत की कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अर्समा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। देखिए, बता रहे हैं कि कोस्टल उड़ीसा का छोटा सा टाउन है जिसका नाम अर्समा है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके विलेज से कुछ किलोमीटर दूर है। 27 अक्टूबर 1999 में कुछ साल बाद प्रशांत के बारे में बात चली जाए, उसकी मदर गुजर जाती हैं, उसके कुछ साल बाद प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अर्समा, वो अर्समा के ब्लॉक हेडक्वार्टर गया। आई स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो कोस्टल उड़ीसा का एक स्मॉल टाउन था, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके विलेज से कम 18 किलोमीटर्स दूर था वहाँ हेडक्वार्टर वो गया। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, क्यों गया? अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मीनिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और जब वो शाम में वहाँ अपने फ्रेंड के साथ रुका था तो एक बहुत ही डार्क और मीनिंग का मतलब होता है भयंकर, जो तबाह करने वाला होता है, वो स्टॉर्म आ जाता है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्री दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। विंड्स बीट का मतलब हवा पीट रही है, मतलब इतनी तेज़ हवा का ब्लो इतनी तेज़ है कि वो हाउसेज विद अ स्पीड, यानी अपनी इतनी स्पीड पर है, इतनी फुरी का मतलब है कहते हैं कि इतनी गुस्से में है, इतनी एंगर में है कि जो घर है कि घर के घर जो है वो जड़ों से उखाड़ देती है। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, और इतनी क्रूअल, इतनी गुस्से में, या इतनी आप कह सकते हैं इतनी प्रेशर में, इतनी तेज़ हवा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इनकेसेंट ट्रेन फिल द डार्कनेस, बहुत तेज़ और इनकेसेंट का मतलब होता है मतलब मूसलाधार या बहुत तेज़ तादाद में, बहुत ही ज़्यादा बारिश रेन फिल द डार्कनेस, उस डार्कनेस को भर देती है। एंशियंट ट्रीज़ यानी जो पुराने पेड़ थे, अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, क्या होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, स्क्रीम्स का मतलब चिल्लाना, चिल्लाहट की आवाज़, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ हवा में भर रही है। पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और उस पानी की वजह से जो पीपल थे, घर थे, वो पानी में बह गए। इट मीन्स इतना डेंजरस साइक्लोन था कि जिसकी वजह से पेड़ जड़ से उखड़ गए, घर बह गए, इंसान और पीपल्स जो इंसान थे और जो हाउसेस थे वो पानी में बह जाते हैं। द एंग्री वाटर स्वर्ड इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस, और जो एंग्री वाटर था, ये जो पानी था सुपर साइक्लोन की वजह से आया था, ये उसके घर में भी, उसके फ्रेंड के घर में भी आ जाता है, नेक डीप, कहाँ तक, गर्दन तक। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवस्टेशन ऑफ द विंड्स, वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बिल्डिंग, उसका जो बिल्डिंग थी वो ब्रिक एंड मोर्टर की बनी थी, यानी आप कह सकते थे एक पक्का हाउस था। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था टू सर्वाइव द डिवस्टेशन, इस डिवस्टेशन में, इस बर्बादी के टाइम में, ऑफ द विंड वेलोसिटी, यानी विंड की जो रफ्तार थी 350 किलोमीटर पर घंटे की अकॉर्डिंग थी, तो उससे इतना स्ट्रॉन्ग हाउस था कि उससे थोड़ी देर लड़ सकता था। इट मीन्स उसका सामना तो नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जैसे और घर टूट कर गिर गए या बह गए, इतना भी वीक नहीं था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रशिंग ऑफ ट्रीज That had got uprooted and fallen on their house. लेकिन उनका जो टेरर था, उनका डर और बढ़ गया जब जो ट्रीज थे पास के, वो जड़ से उखड़ कर उनकी छत पर गिर जाते हैं, उनके घर पर गिर जाते हैं।
सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और ये उन्हें रियलाइज हो गया था कि किसी भी वक्त ये हमारे घर की छत को और दीवारों को डैमेज कर सकता है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग था वो हाउस जिस घर में प्रशांत अपने फ्रेंड के गया था, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जब वो पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ कर उसकी छत पर गिर जाते हैं, घर पर गिर जाते हैं, कि वो उनको बहुत देर तक संभाल सके। यानी कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि अब हमारा जो घर है उसकी जो वॉल है उसकी जो रूफ है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाई द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड सम वॉट बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि क्रेज्ड मतलब क्रेजी डिस्ट्रक्शन था, स्टॉर्म जो था बहुत डेंजरस था, और ये जो डिस्ट्रक्शन था ये रॉट बाय द साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से आया था। एंड सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 30 आवर, और ये जो लहरें थी ओशंस की ये अगले नेक्स्ट 36 आवर तक ऐसी ही थी, इतना ही तेज़ बहाव था। ऑल द विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, जबकि हवा की जो स्पीड थी वो अगली सुबह तक कम हो गई थी। यानी हवा की स्पीड कम हो चुकी थी लेकिन जो पानी का बहाव था वो अभी भी उतना ही तेज़ था। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. यानी जो पानी उनके घर में आ गया था प्रशांत के उनके फ्रेंड के घर में, तो उस पानी से बचने के लिए पूरा फ्रेंड प्रशांत उसके फ्रेंड्स की फैमिली उन्होंने छत पर जाकर यानी कमरे की घर की छत पर जाकर उन्होंने अपने आप को रिफ्यूजी का मतलब सहारा लेना शेल्टर लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक He experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. वो कह रहे हैं कि प्रशांत ये शॉक जो है वो कभी नहीं भूलेगा जो उसने एक्सपीरियंस किया था अपने फर्स्ट ग्लिम्स में, फर्स्ट साइट में, ऑफ द डिवेस्टेशन रॉन बाय द सुपर साइक्लोन। जो स्टार्टिंग में सुपर साइक्लोन आया, जो उसने सीन देखा, जो उसने हालात देखे, वो उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। यानी जो अगली मॉर्निंग थी उसमें भी उसको वो सारी सीन्स, वो सारी बातें याद आ रही थी। अ रेगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। अ रेगिंग डेडली, रेगिंग डेडली का मतलब कह सकते हैं आप डेडली ब्राउन शीट, यानी पानी में रेगिंग जो लाशें थी वो बह रही थी। ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, यानी ब्राउन शीट जो इंसान बहकर जा रहे थे उनसे सब चीज़ उसने वाटर को कवर कर लिया था। एज फेयर आइज द आई कुड सी ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेस। जहाँ तक भी आंखें देख सकती थी वहाँ तक बस एक ही नज़ारा था, एक ही सीन था कि टूटे फूटे सीमेंटेड हाउस वहाँ दिखाई दे रहे थे फ्यू प्लेसेस पर। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। हर जगह क्या दिखाई दे रहे थे, बहते हुए जानवर और ह्यूमन कॉप्सेज यानी मानव के शव दिखाई दे रहे थे हर जगह। जहाँ भी आप जिस दिशा में भी देख रहे थे वहाँ बस सब कुछ तहस नहस ही दिखाई दे रहा था, त्राही त्राही दिखाई दे रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और चारों ओर दिखाई दे रहा था कि जो बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो भी जड़ से उखड़ गए थे। दो टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और ऑलरेडी दो कोकोनट ट्रीज जो थे वो भी उनकी छत पर गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप्ट द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। और ये जो कोकोनट ट्रीज उनके उस पर गिरे थे तो एक तरह से ये उनके लिए प्रॉब्लम भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए एक बून था, उनके लिए एक अच्छी चीज़ थी, उनके लिए एक ब्लेसिंग थी जो गॉड ने भेजी थी कि उस टाइम में स्टार्विंग टाइम में यानी जब सब कुछ बह चुका था तो वो दो दिन वहाँ उन्होंने उस कोकोनट ट्री के जो फ्रूट्स थे वो खाकर उन्होंने अपना जो टाइम था वो उन्होंने वहाँ दो दिन स्पेंड किए। इट मीन्स उनसे भूखा मरने से उन्हें इस कोकोनट ट्री ने बचाया। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open of the rooftop. And in next 2 days तक Prashant sat huddled. Huddled का मतलब होता है परेशान बैठना या चिंता में बैठना। With his friend's family in the open on the rooftop. Rooftop पर 2 दिन तक वो प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ वहाँ बैठा रहा। They froze in the cold and incessant rain. Incessant का मतलब होता है भयानक वर्षा। तो they froze in cold, उस ठंड में और बारिश में वो सब जो थे वो जम चुके थे, यानी बहुत ठंड थी। The rain water washed away Prashant's tears, और जो रेन वाटर थी वो प्रशांत के टीयर्स को भी बहा लेगी। इट मीन्स वो इतना रोए कि बारिश पड़ रही थी तो ये नहीं पता चल रहा था कि ये उसके आंसू हैं या पानी है। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone, was he to be bereaved once again? उसके माइंड में केवल एक ही थॉट थी जो उसके माइंड में चल रही थी कि whether his family had survived, क्या उसकी फैमिली बची होगी the fury of the super cyclone, इस super cyclone की फरी से, इस गुस्से से, was he to be bereaved once again, क्या उनसे फिर वो दोबारा मिल पाएगा।
टू डेज लेटर विच सीम टू प्रशांत लाइक टू ईयर्स द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड। दो दिन बाद, वो दो दिन उसको ऐसे लग रहे थे प्रशांत को जैसे दो साल हों, क्योंकि जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं या परेशान होते हैं तो पल पल हमें भारी लगता है। तो ये जो दो दिन थे उसके लिए, ये उसके लिए ऐसे लग रहे थे जैसे दो साल हों। बारिश रुक चुकी थी, रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड, जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे कम हो गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत जो था वो ये फैसला कर चुका था कि बिना किसी पल देर किए वो अपनी फैमिली को देखेगा, इट मीन्स अपनी फैमिली से मिलेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन जो सिचुएशन थी, भले ही पानी कम हो गया था, बारिश भी रुक गई थी, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ डेंजरस नहीं थी। तो प्रशांत का जो फ्रेंड था और उसकी फैमिली थी, उन्होंने उसको इंसिस्ट किया, उससे रिक्वेस्ट की कि तुम अभी और हमारे साथ कुछ दिन रुको, ताकि जब कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब तुम अपने घर चले जाना। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वेलन फ्लड वाटर्स। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, इक्विप्ड का मतलब उसने जो अपने साथ सामान लिया, विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने अपने साथ एक लॉन्ग स्टडी स्टिक ली, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेंड, यानी जो उसका घर था 18 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से उन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट की टू हिज विलेज द स्वेलन फ्लड वाटर्स, उस वाटर में जहाँ फ्लड वाटर जो था, जिसमें एनिमल्स और डेड बॉडीज सब इधर उधर स्विमिंग कर रहे थे, बह रहे थे, उसके साथ उसने एक लॉन्ग स्टडी स्टिक के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसी जर्नी थी शायद वो कभी भी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैज टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन, यानी उसने जो ये स्टिक ली थी ये केवल इसलिए थी ताकि वो अपने रोड को, उस पानी में रोड को डिटरमाइन कर सके, लोकेट कर सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस वे में वो जा रहा है वहाँ रोड है भी या नहीं। या देखा होगा आपने पानी में जब हम चलते हैं तो नालों का या किसी भी वे का पता नहीं चलता है, तो उसने जो स्टिक ली वो ये पता लगाने के लिए कि लोकेट, रोड को लोकेट करने के लिए। डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ कितना गहरा है, यानी उस डंडे से वो ये पता लगा सकता था कि पानी कितना गहरा है और कितना डीप है और कितना शैलो। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, एट प्लेसेस कुछ प्लेसेस पर इज वॉट एट वेस्ट डीप, वेस्ट डीप का यानी उसकी सीने तक आप कह सकते हैं, इतना गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, उसको रास्ता नहीं मिला और उसको वहाँ से स्विम करके पास होना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और कुछ डिस्टेंस पर जाकर उसको बहुत रिलैक्स फील हुआ जब उसने उन दो फ्रेंड्स को देखा जो उसके अंकल के फ्रेंड्स थे, जो वापस उसी गाँव जा रहे थे जहाँ उसे जाना था। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उसने डिसाइड किया कि वो आगे जो मूव ऑन करेगा वो अपने उन फ्रेंड्स के साथ करेगा, यानी अंकल के फ्रेंड्स के साथ करेगा। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबल, जैसे जैसे वो अपने वाटर में यानी उस वे में आगे बढ़ते गए, जो सीन्स थे, जो नज़ारा था वो और भी उनको देखने लायक था, इट मीन्स बहुत ज़्यादा दयनीय था, जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पिटिएबल थी। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स गॉड्स कैटल्स दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, यानी उस रास्ते में उस जर्नी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह पर ह्यूमन बॉडीज़ को पुश किया, ह्यूमन बॉडीज़ जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन की थी, कार्केसेस ऑफ डॉग्स के, गॉड्स के, कैटल्स के, यानी उनकी डेड बॉडीज़ थी, करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम, और उन्होंने उन सबको साफ किया एज दे मूव्ड अहेड, क्योंकि उन्हें आगे जाना था, इट मीन्स उन सबकी चिंता किए बगैर रास्ते में उन सबको साफ करते गए और आगे बढ़ते गए। साफ करने का मतलब अपने रास्ते से हटाते गए। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, हर उस गांव से जहाँ वो गुजर रहे थे उस 18 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने जितने भी गांव उन्होंने देखे, वो मुश्किल से कोई एक घर होगा जो वहाँ खड़ा था, इट मीन्स साइक्लोन में, सुपर साइक्लोन में जितने भी घर थे वो सब पानी में बह चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब जो प्रशांत था वो बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ, यानी अब उसको ये रियलाइज हो चुका था कि इस सुपर साइक्लोन में जो उसकी फैमिली है वो अब नहीं बची होगी। जितना बुरा हाल इन सारे गाँव का है, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी डेड बॉडीज़ पानी में बह रही हैं, तो अब उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि शायद अब उसकी फैमिली भी बची नहीं होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज।